आइए आइए बोलो जी, आइए सब साथ में, जो ग्रुप अच्छा है। सर आज एक साथ मुंबई और बिहार में रिलीज हुई है फिल्म का उत्साह, वहाँ भी देखते बंदा और यहाँ भी पब्लिक पसंद कर रही, क्या कहेंगे? नहीं, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा मुझे दर्शक लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और जो हमारी सोच थी और हमारा जो विज़न था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बोलने लगे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, अब इसका ग्रोथ नहीं होगा, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं हर आदमी को एक ही जवाब देता था कि कभी इंडस्ट्री बंद नहीं होती है, हम और तुम बंद हो जाएंगे लेकिन इंटरटेनमेंट स्टेटमेंट का इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम था अवेयरनेस का, अवेयरनेस था ही नहीं कि अगर फिल्म आती है तो फिल्म के बारे में पब्लिक नहीं जानती थी, दर्शक नहीं जानते, उनको पता ही नहीं रहता कब कौन सी फिल्म आ रही है। तो इस बार हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करके हम लोगों ने पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में धूम के साथ ट्रेलर चलाया, जय हो के साथ ट्रेलर चलाया, और ये मेरा सोच था कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ आदमी भोजपुरी का ट्रेलर देखना चाहिए, और लोगों ने देखा, इसका मुझे बहुत प्राउड है, और उसका ये रिजल्ट आज मिल रहा है हम लोगों को। सर एक जो सोच होती है भोजपुरी, जिसे आपके पितामह कहे जाते हैं, दादाजी तिवारी जी थे, उन्होंने जो सिनेमा शुरुआती दौर में एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, उस आपको देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री तो हमारी विरासत में हमको मिली है, ये हमारे दादाजी का आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है, तो उस धरोहर को संभाल के रखना भी मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसके लिए मैं इसी प्रकार से कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहता हूँ ताकि जागरूकता बढ़े और इंडस्ट्री में लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के देखें फिल्मों को, और हम लोगों फिल्म का सराहना किया जाए, और भलगर पिक्चर नहीं हम बनाएं, इंटरटेनमेंट बनाएं, जो 60 के जमाने फिल्म बनती थी। और क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, शुरुआत हमने किया, एक में शुरू किया, तो इस पैटर्न पे लोग चलेंगे तो अवेयरनेस आएगा, और जब तक किसी दर्शक को पता नहीं चले कौन सी फिल्म आ रही है, ये अवेयरनेस नहीं था हमारे में। अभी हमारी नेक्स्ट मूवी आ रही है तिरंगा, जिसका हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिज्ञा के साथ इसका टीजर चलवा रहे हैं हम लोग, कुछ 45 सेकेंड्स का, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बेस पे पहली फिल्म है भोजपुरी की। तो स्टोरी का पैटर्न चेंज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट का पैटर्न चेंज होना चाहिए। आज देखिए, मराठी स्टार कहाँ से कहाँ चली गई इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री चली गई, तो हमारे भोजपुरी में इसे सोच आएगा तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आ जाएगा। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई वाकई में, मतलब आज देखे हम लोगों ने जिस हिसाब से यहाँ पर क्राउड आया हुआ था, और जो एक पब्लिक में खुशी थी, और हर शॉट पर तालियां, एक्शन, मतलब जिस हिसाब से ये एक्शन मूवी है, मतलब वाकई में बड़ा, मतलब वी हैव, मैं आपको बोलूँगा कि एक लेवल इतना अच्छा हो गया है कि आप पूछिए मत, और जितनी, मतलब आज फर्स्ट शो है, 11 बजे की शो है, और पूरा का पूरा हमारा सिनेमा हॉल फुल है, मतलब बड़ी खुशी की बात है। जबकि आज 2-3 और पिक्चरें भी लगी हैं, हिंदी की काफ़ी अच्छी पिक्चरें लगी हैं, उसके बावजूद बिहार में हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला, आज बॉम्बे में हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला। जी, हमने बहुत मेहनत किया था, और हम लोग ने यही सोचा था कि फिल्म बनानी है, हमें वल्गर नहीं बनाना है, और वही रीज़न है कि आज पब्लिक भी इस चीज़ को लाइक कर रही है। और आप देखेंगे तो सिर्फ आदमी यही नहीं, यहाँ पर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग, यंग टीनेजर्स जिसे कहते हैं, देख रहे हैं सब और तालियां बजा रहे हैं, और उससे हमें खुशी हो रही है कि ये जो पैटर्न है, ये इट इज प्रो हिंदी पैटर्न। सीक्वल बनाने का देखिए बेसिक रीजन ये था कि जैसे अभी भाई साहब ने आपको बताया कि इंडस्ट्री को कुछ चेंजेस चाहिए, अब तक भोजपुरी में सीक्वल नहीं आया था, ये फर्स्ट आया। आप देखिए, धूम 1 आया, धूम 2 आया, धूम 3 आया, तो भोजपुरी क्यों पीछे रहे? तो वही हिसाब से हम बोले ना आगे बढ़ना है, तो वही हिसाब से प्रतिज्ञा 2 हमने लॉन्च किया है। लेकिन देखिए, एक शुरुआत होती है, कहाँ से कहाँ तो शुरुआत तो करनी है, तो हमें लगा प्रतिज्ञा में काफ़ी दम है, उस हिसाब से हमने फिर प्रतिज्ञा 2 का सीक्वल बनाया। और कोई चेंजेस लाना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंस कुछ ऐसा है? गवर्नमेंट का फाइनेंस हम लोग चाहेंगे सब्सिडी के लिए, हम तो बिहार गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मालूम है कि काफ़ी सारा रेवेन्यूज महाराष्ट्र से आता है भोजपुरी फिल्म को, तो जैसे वो मराठी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, अब हम लोग जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी बात करने वाले कि आप हम भोजपुरी फिल्म को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम रेवेन्यू दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करेगा, और बिहार और यूपी के गवर्नमेंट हमें खास रिक्वेस्ट करना है सपोर्ट के लिए। संजय जी,
आपके अनुसार क्या स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्या परिवर्तन आती है इंडस्ट्री में? देखिए, भोजपुरी का परिवर्तन तो आना बहुत जरूरी है और प्रतिज्ञा टू से पोस्टर के पास लेना। हाँ, परिवर्तन इस प्रतिज्ञा टू से भोजपुरी में बहुत ज़्यादा आएगा और परिवर्तन दिखेगा वो प्रतिज्ञा टू देखने के बाद। अच्छा, तो आप ही कहा भोजपुरी फिल्म और हिंदी फिल्म अगर कंपेयर किया जाए तो हिंदी फिल्म का क्या ऐसा चीज़ है जो कि भोजपुरी को अपनाना चाहिए? भोजपुरी फिल्म में अब हर चीज़ मिलता है जो हिंदी में मिलता है आपको। हिंदी में आपको बर्गर मिल जाएगा लेकिन भोजपुरी में जल्दी बर्गर नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदी वाले भोजपुरी को बोलते हैं कि बर्गर लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रतिज्ञा टू देखिए, आपको साफ सुथरे पिक्चर नजर आएगी और पब्लिक इसे पसंद भी कर रही है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है हिंदी फिल्म में जो भी कलाकार हैं, छोटे बड़े कलाकार, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट होता है भोजपुरी में तो फिल्म को ज़्यादा माइलेज मिलेगा, फिल्म ज़्यादा चलेगी? स्वाभाविक है कि जब हिंदी के एक्टर लोग जब भोजपुरी में आएंगे तो भोजपुरी का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो अभी लैक कर रही है भोजपुरी में, फाइनेंस के, मार्केटिंग के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ऐसी कुछ लैक कर रहा है अभी? नहीं, अभी क्या है कि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, मल्टीप्लेक्स में नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा गरीब हैं। ये मुझे लगता है आप लोग भी समझते हैं इस बात को। और जो मल्टीप्लेक्स में फिल्म जो भी लगती है 300-400 रुपये टिकट होती हैं। अब भोजपुरी के जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा रिक्शेवान हैं या ऑटो चलाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने आते हैं। लेकिन अब भोजपुरी प्रतिज्ञा टू से कुछ चेंज होने जा रही है, मल्टीप्लेक्स में भी आ रही है। हम लोगों ने धूम 3 के साथ भी ट्रेलर दिया, जहो के साथ भी ट्रेलर दिया, इससे भोजपुरी दर्शकों में जागरूकता जगी है। बदलाव के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रतिज्ञा टू से, आपको बदलाव हर चीज़ दिखेगा। अब भोजपुरी के पहला सीक्वल प्रतिज्ञा टू है, मुझे लग रहा है कि मेरी खुश नसीबी है कि भोजपुरी दर्शक के बीच में पहली बार आ रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा। मैं जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, निर्देशक हैं, हमारे सुरी तिवारी जी जो SBI मूवीज़ के, मैं पर्सनली धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा टू को पूरी करने में काफ़ी उन्होंने सहयोग किया और आज प्रतिज्ञा टू दर्शकों के बीच में, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। इसमें मेरे 3 गाने हैं और एक रोमांटिक गाना है, एक अक्षरा के साथ में आइटम गाना है और एक थोड़ा सा हॉट डुएट सॉन्ग है। लेकिन मैं थोड़ा सा वल्गर के खिलाफ हूँ और जो भी करता हूँ ग्लैमराइज करता हूँ और आई थिंक मेरे गाने मुझे, मतलब मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है और थोड़ा सा ऑडियंस का भी ख्याल रखता हूँ क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो थोड़ा सा हॉट देखना पसंद करती और बहुत मज़ा लेती है संगीत का। मतलब संगीत का तो हर कोई वर्ल्ड में मज़ा लेता है लेकिन हमारी भोजपुरी ऑडियंस उसको बहुत अच्छे से दिखा पाती है लोगों को क्योंकि पूरा एक मुखड़ा तक सुनाई नहीं देता गाना, इतनी चिल्लाती है थिएटर के अंदर, तो अच्छा हुआ सब। अच्छा, लेकिन जो भी डांस वल्गैरिटी होती है लोग एंजॉय तो करते हैं लेकिन फैमिली के साथ में तो कतराते हैं कि इस तरह की वल्गैरिटी है तो क्या करें? मैंने पहली लाइन यही यूज़ किया कि मैं तो हिंदी से हूँ और हिंदी से अब मैं भोजपुरी में भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काम काम है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो। तो मैं इसी तरह के गाने करता हूँ कि जो फैमिली बैठ के भी देखे और ताकि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ भी वो गाना देख सकूँ। इतना तो हॉट एक चीज़ अलग होती है और एक वल्गर अलग चीज़ है, तो वल्गर मैं करता नहीं हूँ। और आपने बहुत हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा बिकनी में आ रही लड़की, लेकिन वो अच्छा लगता है, मतलब वल्गर नहीं लगता है, तो स्टाइलाइज करता हूँ मैं गाने को और कोशिश है मेरी कि अच्छे से अच्छे गाने मैं अपने भोजपुरी ऑडियंस को दे सकूँ लेकिन मुझसे वल्गर की गुंजाइश ना करें और मुझे वैसे नचाओ तो मैं उसको नचाता हूँ। प्रतिज्ञा टू में 3 नाम हैं, पवन जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, तो किनको नचाना सबसे आसान और मुश्किल होता है? ये तो आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। देखिए, मेरा काम है नचाना, अब वो चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, सबको नचा लेता हूँ मैं। और मेरे आर्टिस्ट के अंदर अगर जो कुछ कमी है वो कमी मैं हटा के और उसको हटा के उसको खूबसूरती में लाऊं तो वही मेरा काम है, इसलिए मुझे अपॉइंट किया जाता है और वही मेरा जॉब है। थैंक यू।